साथियों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, इतने हमले होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हो रह जाएंगे। मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं। और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास ना मुद्दा है और ना कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं, सॉल्यूशंस देखे हैं। खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो, लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है।